एक मिनट, एक बात पूछूं तुमसे। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने सोनिया के पेरेंट्स से ये कहा होगा कि एक एक्सीडेंट था, मतलब मैंने उन्हें सच नहीं कहा होगा? क्योंकि क्योंकि तुम ऐसे ही हो। मैं जानती थी तुम सोनिया को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहोगे। तुम अच्छे हो और अच्छे लोग ऐसा ही करते हैं। और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अच्छा हूं? इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है मीता? वो सोनिया एक ऐसे लड़के के पीछे जान देने को तैयार है जिसे वो ठीक से जानती तक नहीं। हम रोज इस भरोसे पर अपने बच्चों को घरों से कॉलेज भेजते हैं कि वहां जाकर वो पढ़ लिख जाएं। अगर ये सब देखकर मेरा दिल घबरा जाता है। सुनिए, घबराने की कोई बात नहीं है। हमारी नव्या उस लड़की की तरह नहीं है। आपने देखा ना कैसे समझदारी से काम लिया उसने। उसे उस लड़की की भी फिक्र है और हमें भी तो सब कुछ सच सच बता दिया उसने। आप भरोसा रखिए, हमारी नव्या उस लड़की की तरह नहीं है जो जानता हूं। मीता, नव्या पर मुझे भरोसा है, इस दुनिया पर नहीं है। वैसे भी आजकल के बच्चे अपनों की कम और अपने दोस्तों की ज्यादा सुनते हैं। नव्या के आसपास कॉलेज में कौन रहता है हमें क्या पता। हम तो सिर्फ वो रिट्ज और एपी को जानते हैं। पहले कभी सोनिया का नाम मैंने नव्या के मुंह से नहीं सुना। तुमने सुना? पता नहीं वो लड़का कैसा होगा जिसके पीछे इस लड़की ने जान देने की कोशिश की। नव्या को हम ऐसे लोगों से कैसे दूर रखें मीता? मैं नव्या, तुम्हें जगा दिया? नव्या? नहीं, मैं बस उठ ही रहा था। 9 बज गए। सोनिया ठीक है, उसके घर वाले आ गए थे उसे साथ ले जाने के लिए। मैं रात भर हॉस्पिटल में ही रहा। मैं तुमसे बाद में बात करूं, अभी कॉलेज के लिए रेडी होना है। अच्छा, ओके, ठीक है। तुमने तुमने रणबीर को कुछ कहा क्या? नहीं, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। तो क्या कहोगे? क्यों, जरूरत क्या है किसी से कुछ कहने की? किसी से कुछ नहीं कहते ना। पर मैंने तो कह दिया। क्या? हाय शहबाद, पहले बता क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? क्या क्या मतलब? अच्छा, तो मतलब बताना पड़ेगा। तू आज सुबह सुबह किसको मैसेज कर रही है? तुम दोनों को ही तो ढूंढ रही हूँ। वेरी गुड, अब हमें सब कुछ बता। क्या क्या बताऊं? हाय रितिका। हाय गाइस। Hi, hi guys. Hi.